हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको मैथ्स पेडागॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है और जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है? यह कथन है कोठारी आयोग का। कोठारी आयोग ने कहा है कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है और जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का अर्थ क्या है? मूल्यांकन का क्या अर्थ है? मूल्यांकन का तात्पर्य है शिक्षण के साथ साथ निरंतर चलने वाली उस व्यापक प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षा के मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना, छात्रों द्वारा उनके ज्ञान व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन का अर्थ क्या हो गया कि शिक्षण के साथ साथ निरंतर चलने वाली उस व्यापक प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षा के मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास, छात्रों द्वारा उनके ज्ञान व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे ही मूल्यांकन के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन है, संप्राप्ति परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करते हैं। तो किसका कथन है? गैरिसन एवं अन्य का। गैरिसन एवं अन्य का कथन है, संप्राप्ति परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्राप्ति परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं? तो संप्राप्ति परीक्षण से अभिप्राय उन परीक्षणों से है जो विद्यार्थियों के ज्ञान, बोध, कौशल आदि का मापन करते हैं। जिसमें विद्यार्थी के जो ज्ञान है, बोध है, कौशल आदि का मापन होता है उसे संप्राप्ति परीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोग के आधार पर परीक्षणों के प्रकार लिखिए। तो उपयोग के आधार पर परीक्षणों के दो प्रकार हैं, संप्राप्ति परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण। संप्राप्ति परीक्षण को अचीवमेंट टेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निर्माण के आधार पर परीक्षणों के प्रकार लिखिए। तो निर्माण के आधार पर परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, मानकीकृत परीक्षण और अमानकीकृत परीक्षण। कौन कौन सा हो गया? मानकीकृत परीक्षण और अमानकीकृत परीक्षण। नेक्स्ट है, प्रकृति के आधार पर परीक्षणों के प्रकार लिखिए। प्रकृति के आधार पर परीक्षण के दो प्रकार हैं, निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति के आधार पर परीक्षणों के प्रकार लिखिए। तो तीन प्रकार के होते हैं अभिव्यक्ति के आधार पर, मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण और प्रयोगात्मक परीक्षण। नेक्स्ट है, शिक्षण कौशल से क्या आप क्या समझते हैं? शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षण कौशल से तात्पर्य शिक्षण की दक्षता या शिक्षण प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक संपादित करना शिक्षण कौशल कहलाता है। शिक्षण कौशल निम्न प्रकार के हैं। पहला है व्याख्यान कौशल, दूसरा है प्रस्तावना कौशल, तीसरा है संप्रेषण कौशल, चौथा है उद्दीपन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट क्या है? तो किसी संप्राप्ति परीक्षण या उसको बोलते हैं जो अचीवमेंट टेस्ट का नील पत्र उसके प्रश्न पत्र निर्माण में आधार पत्र का कार्य करता है। जो ब्लूप्रिंट होता है उसका कार्य क्या होता है? प्रश्न पत्र निर्माण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक विषय विशेष या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ एवं कौशल का मापन करते हैं। किसका कथन है? एफ एस फ्रीमैन का कथन है कि शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक विषय विशेष या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ एवं कौशल का मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के पद लिखिए। तो पहला है उपलब्धि परीक्षण की योजना का निर्माण करना, दूसरा है परीक्षण निर्माण की तैयारी करना, तीसरा है परीक्षण का अंतिम प्रारूप निर्धारित करना, चौथा है उपलब्धि परीक्षण का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो निबंधात्मक परीक्षण का प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल से किया जा रहा है। बहुत पहले से ही निबंधात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जा रहा है। इसको 1854 में हॉरक मैन ने अमेरिका में प्रयोग किया था। किसने प्रयोग किया था? हॉरक मैन ने अमेरिका में 1854 में प्रयोग किया था। यह परंपरागत प्रणाली है, यह विषय निष्ठ होती है, इसमें रटने पर बल दिया जाता है। निबंधात्मक परीक्षण जो है उसका सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें रटने पर बल दिया जाता है। ठीक है, यह सबसे बड़ा दोष है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? तो यह आधुनिक पद्धति है। विद्वानों ने व्यापक मूल्यांकन पद्धति और सतत पद्धति अभियोग कार्यक्रम 1992 में इसको स्वीकार किया था। विशेषताएं क्या है? क्रमबद्धता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, व्यापकता और निरंतरता। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आगरा यूनिवर्सिटी की बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।